बहारों फूल बरसाओ मेरा जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो एहसान तेरा हो मुझ पर। सिनेमा में वक्त वक्त पर टाइटल सॉन्ग्स लिखने का ट्रेंड चलता रहा है। कई गीतकारों ने टाइटल सॉन्ग्स की रचना की, लेकिन ऐसे गीत लिखने में हसरत जयपुरी का कोई जवाब नहीं था। यूं तो वो हुस्न और इश्क की दास्तां बयां करते रोमांटिक गीतों के रचनाकार माने जाते हैं, पर उन्होंने बहुत ही मशहूर टाइटल सॉन्ग्स भी लिखे हैं। एक घर बनाऊंगा तेरे घर के सामने, तो झुक गया आसमां भी इश्क मेरा रंग लाए। गुमनाम है कोई जरा नकाब उठा दो मेरे हुजूर, ना समझे वो अनाड़ी है। इकबाल हुसैन हसरत, जिनका जन्म जयपुर में हुआ और जैसा कि एक समय में चलन था जन्म स्थान को अपने नाम के साथ जोड़ने का, तो उन्होंने भी अपने तखल्लुस के साथ जयपुर को जोड़ लिया और बन गए हसरत जयपुरी। 15 अप्रैल 1922 को गुलाबी नगरी में जन्मे हसरत साहब ने वहीं से मिडिल तक की पढ़ाई इंग्लिश मीडियम में की। उर्दू फारसी का ज्ञान उन्हें मिला अपने नाना फिदा हुसैन फिदा से, जो अपने वक्त के मशहूर शायर थे, और फिर 20 साल की उम्र से ही उन्होंने शेर व शायरी शुरू कर दी। ये शौक़ तब और परवान चढ़ा जब इश्क ने उनकी ज़िंदगी में दस्तक दी। जयपुर में उनकी पुश्तैनी हवेली के सामने राधा नाम की एक खूबसूरत लड़की रहती थी, जिससे उन्हें इश्क हो गया और जो पहली चिट्ठी उन्होंने राधा के नाम लिखी थी मगर उस तक पहुँचा नहीं पाए थे, उसे सालों बाद राज कपूर ने संगम में शामिल किया। ये मेरा प्रेम पत्र पढ़कर कहते हैं हसरत मोहानी के प्रोत्साहन पर उन्होंने शायरी को अपनी ज़िंदगी बनाया था, और फिर इसी ज़िंदगी का पीछा करते हुए वो रोज़ी रोटी की तलाश में मुंबई चले आए, जहां बहुत संघर्ष करना पड़ा। मिट्टी के खिलौने बेचे, फैक्ट्री में मजदूरी की, कभी भूखे रहे, फुटपाथ पर सोए। अपने जुनून अपने सपनों का पीछा करना इतना आसान भी तो नहीं होता ना। काफ़ी मुश्किलों के बाद उन्हें बस कंडक्टर की नौकरी मिली 11 रुपये महीने की पगार पर। रहने का ठौर ठिकाना था नहीं तो फुटपाथ पर ही सोते थे। 8 साल तक उन्होंने कंडक्टर की नौकरी की। एक और मशहूर कलाकार थे जिन्होंने बस कंडक्टर का काम किया था, क्या आप उनका नाम जानते हैं? जानते हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। किसी भी व्यक्ति के लिए बस कंडक्टर की नौकरी नीरस हो सकती है, मगर हसरत जयपुरी के लिए यही नौकरी प्रेरणा बन गई। बस में सफ़र करने वाली खूबसूरत लड़कियों के ख्यालों में उनके शायरी के शौक़ में रवानगी आई। फिर वो बाकायदा मुशायरों में शिरकत भी करने लगे। एक मुशायरे में पृथ्वीराज कपूर ने उन्हें सुना और उनसे बहुत प्रभावित हुए। उन दिनों पृथ्वीराज कपूर के बेटे राज कपूर एक फिल्म बना रहे थे, सो हसरत जयपुरी को राज कपूर से मिलने के लिए बुलाया गया। जब हसरत जयपुरी राज कपूर से मिलने पहुंचे तो वहां उनके साथ संगीतकार जोड़ी शंकर जयकिशन भी मौजूद थे, और संगीतकार के रूप में उनकी भी ये पहली फिल्म थी। हसरत जयपुरी को कुछ धुनें सुनाई गईं और अगले दिन हसरत साहब गाना लिखकर ले गए, जो सभी को बहुत पसंद आया, और इस तरह 1949 की फिल्म बरसात से हसरत जयपुरी गीतकार बन गए, और ये था उनका पहला रिकॉर्डेड सॉन्ग। पिया बेकरार है, छाई बहार है, मुरे बार। इसके बाद तो हसरत जयपुरी आर के बैनर का अटूट हिस्सा बन गए। आर के बैनर संगीतकार शंकर जयकिशन, गीतकार शैलेंद्र और हसरत जयपुरी के साथ गायक मुकेश, ये पूरी टीम एक तरह से सफलता की गारंटी थी, जिसने कई सुपरहिट फिल्में दी। सिर्फ आर के बैनर ही नहीं, बल्कि जिस भी फिल्म का संगीत शंकर जयकिशन तैयार करते उसमें गीत शैलेंद्र और हसरत जयपुरी के ही होते। माना जाता रहा है कि शंकर और जयकिशन धुनें अलग अलग बनाते थे और नाम दोनों का जाता था। इसी तरह से ये भी माना जाता है कि शंकर की धुनों पर गीत शैलेंद्र लिखते और जयकिशन की धुनों पर हसरत जयपुरी। हालांकि जब आप एक टीम में काम करते हैं तो उस काम को बेहतर बनाने के लिए मिलजुल कर प्रयास करते हैं। आर के बैनर और हसरत जयपुरी का साथ 1971 तक रहा। इसी दौरान जयकिशन की मौत, फिर मेरा नाम जोकर की असफलता और कल आज और कल के बाद राज कपूर दूसरे संगीतकारों की तरफ मुड़ गए।
लेकिन 1985 की फिल्म राम तेरी गंगा मैली में एक बार फिर हसरत जयपुरी ने उनके लिए गीत लिखे। सुन सुन सहबा सुन प्यार की धुन। हसरत जयपुरी ने करीब 350 फिल्मों में लगभग 2000 गाने लिखे। शंकर जयकिशन के अलावा सज्जाद हुसैन, सी रामचंद्र, दत्ता राम, हेमंत कुमार, कल्याण जी आनंद जी से लेकर नई पीढ़ी के आनंद मिलिंद, नदीम श्रवण और जतिन ललित तक कई संगीतकारों के साथ काम किया। 2 बार फिल्म फेयर का बेस्ट लिरिसिस्ट अवार्ड, डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड, वर्ल्ड यूनिवर्सिटी राउंड टेबल की तरफ से डॉक्टरेट की उपाधि के अलावा एक शायर के तौर पर उनके योगदान के लिए उन्हें जोश मलिहावादी अवार्ड से सम्मानित किया गया। हसरत जयपुरी का पहला प्यार तो परवान नहीं चढ़ा, लेकिन अपनी पत्नी से उन्हें जो प्यार, विश्वास और 3 बच्चों का तोहफा मिला, उसके लिए वो खुद को हमेशा भाग्यशाली मानते रहे। जब वो बस कंडक्टर से गीतकार बने तो उनकी आमदनी भी बढ़ी थी और उन्हीं दिनों अपनी पत्नी के कहने पर उन्होंने कुछ पैसा प्रॉपर्टी में लगाया था और यही प्रॉपर्टी मुश्किल दिनों में उनका सहारा बनी। पैसों की वजह से उन्हें कभी किसी के आगे झुकना नहीं पड़ा। उन्होंने हमेशा अपनी पसंद का काम किया, तभी तो उनके लिखे गीतों में हर रंग मिलता है। तुझे जीवन की डोर से बांध लिया है, दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाए। बदन पे सितारे लपेटे हुए, जाने कहां गए वो दिन। हिंदी उर्दू को हसरत जयपुरी जुड़वा बहनों की तरह मानते थे। हिंदी उर्दू शायरी पर उन्होंने कई किताबें लिखी। अपनी मौत के वक्त भी वो शायरी की एक किताब पर काम कर रहे थे और कुछ फिल्मों के लिए भी, पर वक्त ने उन्हें पूरा करने की इजाज़त नहीं दी। 17 सितंबर 1999 को हसरत जयपुरी इस दुनिया को अलविदा कह गए, पर उनके लिखे गीतों को भुलाना मुमकिन ही नहीं है। वो हमेशा उनके चाहने वालों के जहन में बसे रहेंगे और उनके ज़रिए हसरत जयपुरी भी।